हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर। स्टूडेंट्स, आज से अपने रेलवेज़ के लिए जो रीजनिंग का जो पोर्शन है उसकी स्पेशल अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। और इस क्लास का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि मैं आपको इसमें कंप्लीट जो रीजनिंग है वो आपको कवरअप करवाऊंगा। कंप्लीट रीजनिंग आपको मैं कवरअप कराऊंगा, वो भी विद कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट भी आपको कराऊंगा प्लस प्रैक्टिस भी आपको कवरअप करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, मेनली मेरा टारगेट ये है कि जो भी कैंडिडेट किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके एग्ज़ाम में रीजनिंग और मैथ का कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो मैं उनको वो प्रॉपर कवरअप करवाऊँ। तो अगर आप ये चाहते हो सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहे तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है। स्टूडेंट्स, इस पर जो भी आपके व्यू हैं वो आपको कमेंट करने हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने हैं। मेरा मोटो सिर्फ एक है कि मैं सबको ये चीज़ प्रोवाइड करवाऊं, और मेरी भी आप सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप अगर ये वीडियो देखते हो और अगर आपको ये पसंद आती है तो आपको इसे लाइक करना है, आपको कमेंट करना है एंड आपको इसे शेयर करना है, यानी कि आपको इसे LCS करना है। स्टूडेंट्स, क्लियर? स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपने रीजनिंग का कवरअप करने वाले हैं। रीजनिंग के फर्स्ट टॉपिक के अंदर अपने पढ़ेंगे आज अल्फाबेट्स। जो भी आपके डिफरेंट टाइप के अल्फाबेट्स हैं उनकी नंबर पोजिशन क्या है या उनसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा, वो आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन, पहले अपने कॉन्सेप्ट कवरअप करते हैं कि अल्फाबेट्स जब अपने कवरअप करते हैं तो अल्फाबेट्स कौन कौन से होते हैं। आपको पता होगा हिंदी वर्णमाला आपका मेन अल्फाबेट्स रहते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपके सारे अल्फाबेट्स हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इनकी अगर संख्या देखी जाए कि इनकी संख्या कितनी है, टोटल ये आपके होते हैं 26। टोटल 26 होते हैं, जिनमें वोवल्स, वोवल्स की बात की जाए तो आपके होते हैं 5 वोवल्स, यानी कि आपके स्वर। ये 5 होते हैं कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ एंड यू। और अगर बात की जाए बाकी जो बच गए आपके उसे क्या बोलते हैं, अपने कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, तो वो कितने रह गए हमारे, 21 रह गए। इन पांचों को छोड़कर बाकी रिमेनिंग आपके क्या रहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। इतनी बात सबको पता है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, लेकिन मुझे क्या करना है, इन जो अल्फाबेट की बात की जा रही है इनके मुझे कवरअप करने हैं स्टूडेंट्स, नंबर पोजीशन, कि इनकी नंबर पोजीशन क्या है। आपको जब एग्जाम में कोई वर्ड मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको मिल गया रीजनिंग, आर ई ए एस ओ एन आई एन जी, तो ये जो आपके इसमें लेटर्स आ रहे हैं ये किस पोजीशन पर आते हैं। जैसे बात करें आर की, तो आर आपका जो आता है वो आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे, एस आता है 19 पे, ओ आता है 15 पे, एन आपका आता है 14 पे, आई आपका 9 पे, एन आपका 14 पे और जी आपका 7 पे। तो स्टूडेंट ये जो नंबर पोजीशन मैंने लिखी है ना, आपके माइंड में ये प्रॉपर याद होनी चाहिए। तो आप इन्हें किस तरह से याद कर सकते हो ये मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज आपको कवरअप करवाने वाला हूं। अगर आप शुरुआत करते हो ए से और एंड करते हो जेड पर तो ए की नंबर पोजीशन आपकी 1 होगी और जेड की नंबर पोजीशन 26 होगी। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको ये क्लियर होगा। तो बाकी जो लेटर्स बच गए इनकी नंबर पोजीशन आप किस तरह से याद करोगे ये मैं आपको कंप्लीट कवरअप करवाने वाला हूं। तो स्टूडेंट ध्यान से इस लेटर को सुनिएगा, इस कॉन्सेप्ट को सुनिएगा, क्योंकि आप बातों बातों में ये सारी जो नंबर पोजीशन है ये आप सीख जाओगे स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपने, अब यहां पर बात करते हैं कि नंबर पोजीशन की अगर बात करें दो तीन अपने को याद रहती है। लाइक अगर बात करें ए बी सी डी, ये पहले 4 हैं, 1 2 3 4, और जेड आपका क्या है, 26, ये आपका लास्ट लेटर है। तो यहां पर अगर अपने बात करें इन चार के अलावा मुझे कोई भी नहीं याद, मुझे कोई भी नहीं याद कि कौन से पोजीशन पे आएगा। तो आपको एक कहानी सुननी है, वो कहानी किसकी है, क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट से रिलेटेड आपकी कहानी क्या है कि क्रिकेट में दो पर्सन बहुत फेमस है। पहला है आपका हरभजन सिंह, इंडिया से ये सब जानते होंगे इसे, हरभजन सिंह गुगली फेंकने में माहिर हैं सर, एंड दूसरे हैं युवराज सिंह, युवराज सिंह।
क्लियर। अब यहां पर बात आती है कि हरभजन सिंह और युवराज सिंह की बात क्यों हुई है, क्योंकि एक बार इन दोनों की क्या हो गई, लड़ाई हो गई स्टूडेंट्स, एक बार इनकी लड़ाई हो गई। और लड़ाई हुई तो उन दोनों ने नॉर्मली क्या किया, एक दूसरे से अब रिवर्ट लेना था कि हाँ आप कैसे रिवर्ट ले सकते हो। तो दोनों एक, आपकी पता है आईपीएल की लीग चलती है, आईपीएल के अंदर दोनों अलग अलग टीम के अंदर है, कितने ओवर का वो होता है, वो आपका 20 ओवर का होता है, यानी T20 बोलते हैं अपने उसे। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहला लेटर में याद हो गया यहाँ पर T20, टी आपका कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। T20 की आपकी लीग थी, उसके अंदर ये दोनों आईपीएल की, इसके अंदर ये दोनों अपोजिट जो टीम के अंदर खेल रहे थे। अब युवराज सिंह ने क्या बोला हरभजन सिंह को कि तू मेरे को बॉलिंग अगर करेगा, तू मुझे बॉलिंग करेगा तो जो सिक्स है तेरी बॉल पर वो क्या है, फिक्स है। सिक्स क्या है, फिक्स है। तो एस आपका कितने पर आ गया, 6 नंबर पे। सिक्स क्या है, फिक्स है, यानी कि एफ आपका 6 नंबर पे आ गया, तेरी बॉल पे सिक्स है वो फिक्स है। तीन चार बॉलिंग करने के बाद, तीन चार छक्के मारने के बाद युवराज अपना रिवर्ट है वो पूरा ले लेता है, अपना बदला पूरा ले लेता है। अब बात आती है हरभजन सिंह के लिए, मैं कैसे बदला लूं। तो वो अपने जो कोच है उसको बोलता है मुझे भी आज खेलने जाना है भाई, मैं भी आज खेलूंगा और युवराज सिंह बॉलिंग करेगा तो मुझे भी छक्के लगाने। तो हरभजन सिंह वैसे देखा जाए तो बिल्कुल लास्ट के अंदर भेजा जाता है, तो उसका जो कोच है वो कहता भाई ज्यादा जल्दी तो नहीं भेज सकते, तेरे को क्या करते हैं 8वें नंबर पर भेज देते हैं, तेरा 8वां नंबर है उस पर तेको खेलने के लिए भेज देंगे और तू जाके अपना जो बदला है वो ले ली भाई। तो हरभजन सिंह वो कितने नंबर पे खेलने गया, 8वें नंबर पे खेलने गया, यानी कि एच आपका कितने नंबर पे आया, 8 नंबर पे। हरभजन सिंह 8वें नंबर पर खेलने गया और उसने भी युवराज की बॉलिंग पे अपना जो बदला है वो पूरा ले लिया, यानी कि दोनों का रिवर्ट पूरा हो गया और दोनों बन गए भाई भाई। अब यहां से अगर अपने आगे बात करें तो और कौन सा याद हो सकता है, सबसे पहले अपने याद किया था T20, सिक्स क्या था, फिक्स था, और हरभजन सिंह 8वें नंबर पर खेलने आया था और उसने अपना रिवर्ट है जो पूरा लिया था। इस कहानी को अगर आप ध्यान में रखोगे तो ये लेटर्स आपके माइंड में हमेशा याद रहेंगे। यानी युवराज सिंह है जो आपका क्रिकेट खिलाड़ी होता है उसकी शर्ट के बैक साइड में डेफिनेटली एक वर्ड लिखा होता है जो युवराज सिंह, यानी शॉर्ट नेम क्या है, यूवी। तो इसकी शर्ट के बैक साइड में जो नंबर लिखा हुआ है लिखा 21-22, यानी कि यू आपका आता है 21 नंबर पे और वी आता है आपका 22 नंबर पे। यू वी यानी कि यू आपका 21 एंड वी आपका 22 स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स, आप इस तरह से ये सारा जो क्रिकेट है उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आप याद रखोगे। देन अगर अपने बात करें आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जो भी चीज़ आपको पता होती है, जो भी चीज़ आपको पता है उसे अपनी हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ कि आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, बोलोगे आई नो। और इसे मैं अगर इस तरह से लिख दूँ आई नो, यानी कि आई आपका कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर, तो आई की नंबर पोजिशन कितनी होगी, 9। देन एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, मेरे को आंसर देना है अंग्रेजी में, अंग्रेजी का 11वां अक्षर के होवे, ये बागड़ी लैंग्वेज है, राजस्थानी लैंग्वेज, उसके अंदर अगर बात करें तो आपसे पूछते हैं अंग्रेजी का 11वां अक्षर के होवे, तो आप 11 नंबर पे काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो आंसर क्या आया, के। वही तो मैंने पूछा आपसे, के होवे। तो इसका मतलब क्या है, आप इस क्वेश्चन से हमें से याद रखोगे कि अंग्रेजी का 11वां अक्षर क्या होवे, के होवे, अंग्रेजी का 11वां अक्षर क्या होवे, के होवे। क्लियर है, तो आप ये बातें ध्यान में रखते हुए इस जो नंबर पोजीशन है उसको पूरा आप याद रख सकते हो। देन अगर अपने बात करें आगे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आगे की जो नंबर पोजीशन है वो किस तरह से आप याद रखोगे, आपको याद रखना है दूसरा इंडियन रेलवे, आई आपको याद होगा तो आपको याद रखना है इंडियन रेलवे, मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूं क्रिकेट वाला, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आप क्यों याद रखोगे उसका मैं बताता हूं आपको प्रॉपर रीजन। इंडियन रेलवे आई आपको पता होगा कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, आई नो। तो 9 का आपको दुगना करना है तो आर आपका आ जाएगा 18। इंडियन रेलवे यानी कि आई का दुगना करोगे तो आपका आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 18 नंबर पे। देन आपको याद रखना है इसी तरह से लक्स, लक्स साबुन, इसमें भी डबल का रिलेशन है, एल आपका 12
तो 12 का दुगना करोगे तो कितना आपका 24। तो लक्स से आपको दो याद हो गए नंबर, एल आपका 12 और एक्स आपका 24। अगर अपने बात करें आगे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आपको बताएं अंग्रेजी में टोटल जो आपके अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, 26। 26 का अगर आप आधा करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 13। और आधे को अपने मिडल भी बोलते हैं, मिडल पॉइंट, मिडल नंबर, मिडल यानी कि एम आपका कितने पे आएगा, 13 पे आएगा। एम आपका 13 पे क्यों, क्योंकि ये 26 का मिडल है उसका आधा है, तो एम आपका कितने नंबर पे आएगा, 13 नंबर पे आएगा। देन अगर अपने आगे ये देखें तो अपने को एक पांच का पहाड़ा देखना है, अंग्रेजी में एक पांच का पहाड़ा होता है वो अपने को देखना है कि पांच का पहाड़ा क्या है। वैसे अगर पांच का पहाड़ा देखें तो आपका क्या होता है, 5, 10, 15, 20 और 25। इससे आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 ही होते हैं। तो पांच के पहाड़े को अंग्रेजी में बोलते हैं इजोटी, ई जो टी, इजोटी। तो यहां पर देखिए ई आपका कितने पे आ गया, 5 पे, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पहले कर लिया, और वाई आपका कितना हो गया, 25 नंबर पे। इजोटी पांच का पहाड़ा, उससे आप कवर अप कर सकते हो। अब देखते हैं कुछ बनावट पे होते हैं। जी जैसे आपका लिखा हुआ है, यहां देखिएगा जी इस तरह से भी लिखते हैं अपने, जी आपका अगर मैं यहां पर लिखूं प्रॉपरली तो आपका जो जी है वो इस तरह से भी लिखा जाता है, ये जी है। तो यहां पर अगर मैं यहां पे कर दूं तो ये क्या बनेगा आपका, 7 बन गया, यानी कि जी आपका कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर। ये कुछ बनावट से हैं, आप बनावट से याद रख सकते हो, नहीं तो जी आपका 7 नंबर पे हो गया। देन अगर यहां बात करें इस पी की, तो पी को अपने क्या लिख सकते हैं, पी को अपने लिख सकते हैं उल्टा 6। अब यहां पर इसका मतलब है कि पी के जो भी नंबर पोजिशन होगी उसमें 6 आएगा, तो 6 पे नॉर्मली देखें आपका एफ आ गया था, 26 पे आपका क्या आ गया, जेड आ गया, तो बच क्या गया, 16। 16 पे आपका क्या होगा, पी होगा। देन W की बात करें, W को अगर अपने उल्टा लिखें तो क्या बनेगा, ये M बनेगा। W को अगर अपने उल्टा मिरर इमेज देखेंगे तो M बनेगा। M का लास्ट में क्या है, 3 है, तो W के लास्ट में भी क्या होगा, 3 होगा, तो क्या बचेगा आपका आ गया, 23। क्योंकि 3 पे क्या होता है C, 13 पे क्या होता है M, तो बच क्या गया, 23। 23 पे आपका क्या आएगा, W आएगा। तो अब बात करते हैं S। S आप मेरे नाम से याद रख सकते हो, मेरा नाम है साहिल, तो मेरी जो नंबर पोजिशन है वो है 19 नंबर। आप अपने नाम की नंबर पोजीशन भी याद रख सकते हो कि आपके नाम की नंबर पोजीशन क्या है। मेरे नाम की 19 है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे नाम से याद रख सकते हो S19। इतने आपको अगर याद करवा दी तो दो आप नॉर्मल रिलेशन से भी याद कर सकते हो, MN, M के बाद N आता है, तो आपके पास 13 के बाद 14 और P के बाद Q, यानी कि आपका 17। तो आप ये पूरी जो अल्फाबेट्स है वो इस तरह से याद रख सकते हो स्टूडेंट्स। मैं पूरा जो रिकॉल कर रहा हूँ आपको कंप्लीट, कि किस तरह से मैंने आपको ये सारा साल याद करवाया है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक जो अल्फाबेट है उसकी बात करूँगा और उससे आप यहाँ पर अच्छे से रिकॉल कर सकते हो कंप्लीट। और इसे घर पर 10 मिनट दीजिएगा, मात्र 10 मिनट के अंदर आपको ये सारी अल्फाबेट की नंबर पोजिशन याद हो जाएगी। तो चलते हैं, हम अपने यहाँ पर इसको कवर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो ये आपके ए की जो बात है, ए से लेकर डी तक मैंने आपको जो कवर करवाया था वो करवाया था कि आप क्या करोगे, ए से डी तक नॉर्मल अपने को याद होते हैं उसको ध्यान में रखोगे, उसे मैंने कवर अप कर लिया। देन आ गया ई, ई आपका मैंने करवाया था इजोटी से, इजोटी आपका 5 का पहाड़ा, तो ई आपका उससे 6 है, वो फिक्स है, तो आपका यहाँ पर हो गया था एफ। देन जी की अगर अपनी बात करें, जी बनावट से करवाया था, तो आपका 7 तरह दिखता है, हरभजन सिंह क्रिकेट के अंदर 8वीं नंबर पोजीशन पर खेलने आता है अपना रिवर्ड लेने के लिए। आई, आई नो, मैं जानता हूं। जे, इजोटी से अपने याद किया था। देन के, अंग्रेजी का 11वां अक्षर के हो गए। एल, लक साबुन से डबल का रिलेशन था, एल 12 और एक्स 24। एम, मिडिल टर्म, 26 का आधा आपका 13। देन जेड की बात करें तो यहाँ पे आपका 26। वाई की इजोटी से अपनों ने कवर अप किया था, वाई लक्स साबुन आपका 24। डब्ल्यू बुनावर से उल्टा लिखा था, एम, एम के लास्ट में 3 आता है, तो डब्ल्यू के लास्ट में 3 आएगा, यानी कि आपका 23। वी आपका यूवी अपनों ने याद किया था, 21-22 उसकी शर्ट के बैक साइड में लिखा हुआ, T20 का गेम है। एस, मेरे नाम से आपने कवर अप किया था कि मेरा नंबर पोजिशन है वो कितना है आपका, 19 है। इंडियन रेलवे दुगने का रिलेशन, आई आपका 9 पे, तो आर आपका 18 पे। क्यू, पी क्यू से याद किया था, 16-17। पी बनावट से उल्टा 6, तो 16। इजोटी से अपने ओ का कवरअप किया था, 15। और एन, एम एन से 13-14।
तो ये आपकी प्रॉपर नंबर पोजीशन है स्टूडेंट्स, जिसे आप अच्छे तरह से याद कर सकते हो। अब बात आती है कि जब शुरुआत आपकी ए से होती है बी सी और आप जाते हो जेड तक, तो ये एक नंबर, ये दो नंबर और ये तीन नंबर और यहां पर आपका 26 नंबर। अगर इसे उल्टा लिख दिया जाए, यानी कि अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं जेड वाई एक्स और लास्ट में आपका सी बी ए, ये आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर, ये आपका दो नंबर, ये आपका तीन नंबर और ये आपका 26, ये आपका 25 और ये आपका 24। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो है वो किस तरह से कवर अप करोगी वो अपने को यहां पर सीखना है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा अब पीछे से नंबर पोजीशन आप किस तरह से याद रख सकते हो और आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो मैं यहां पे आपको कवर करवा रहा हूं स्टूडेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब पीछे से जो नंबर पोजीशन है आप उसे किस तरह से याद करोगी, ये आप 10 मिनट का टाइम दीजिएगा, आपको याद हो जाएगी। देन अगले आप स्लाइड को देखिएगा, उससे आपको ये प्रॉपर कवर अप हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर अपने बात करते हैं कि आपकी जो नंबर पोजीशन है वो बैक साइड से कैसे याद होती है। तो आपको क्या करना है, कुछ रिलेशन याद रखने, जैसे कि अगर बात करें ए और जेड, ये आपस में एक कोरिलेट है। अगर आगे से ये एक है तो ये आपका पीछे से 26 है। अगर मैं आपसे पीछे से पूछूं जेड का क्या नंबर है, तो जेड का आप क्या बताओगे, एक नंबर बताओगे, यानी कि जेड की जगह आप किसका बोल दोगे, ए का नंबर बोल दोगे। जैसे कि मैंने आपका यू का बोला और एफ का बोला, यू का पूछूं मैं पीछे से नंबर क्या है, अगर आपको ये पता चल जाए कि यू का रिलेशन एफ के साथ है तो आप यू की जगह किसका नंबर बोल दोगे, एफ का बोल दोगे 6, कि यू बैक साइड से 6 नंबर पे आता। तो आपको ये रिलेशन कवर अप करने हैं। अगर आपको ये रिलेशन कवर अप हो गए तो आप डेफिनेटली किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलते हैं वो रिलेशन अपने कवर अप करते हैं। ए का जेड से रिलेशन याद करने के लिए अपने याद रखेंगे आज कि ए का रिलेशन किसके साथ है, जेड के साथ है। बी का रिलेशन वाई के साथ कवर अप करने के लिए अपने करेंगे वाई, बी का रिलेशन किसके साथ है, वाई के साथ है। सी का रिलेशन कवर अप करने के लिए अपने क्या करेंगे, सी का रिलेशन कवर अप करने के लिए अपने करेंगे कोरेक्स, कोरेक्स यानी कि सी का रिलेशन एक्स के साथ है। डी का रिलेशन कवर अप करने के लिए अपने क्या करेंगे, दूध वाला, दूध वाला डी का रिलेशन किसके साथ है, डब्ल्यू के साथ है। ई का रिलेशन करने के लिए अपने एक ऐसा शब्द पढ़ेंगे जो नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगता है और उससे अपने को दो याद हो जाएंगे, लव। ई का रिलेशन वी के साथ है और एल का रिलेशन ओ के साथ है, ये भी आपका इससे ही कवर अप हो जाएगा, लव। क्लियर। नेक्स्ट एफ का रिलेशन ऊ के साथ, उफ ये गर्मी। यू का रिलेशन एफ के साथ, जी का रिलेशन टी के साथ, जिट्टी रोड, तो जी का रिलेशन टी के साथ है। एच का रिलेशन एस के साथ, वही हरभजन सिंह, हरभजन सिंह एच का रिलेशन एस के साथ। आई का रिलेशन आर के साथ, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो इससे आपको इसकी नंबर पोजीशन याद होगी। जे का रिलेशन क्यू के साथ, जयपुर क्वीन। जे का रिलेशन क्यू के साथ। के का रिलेशन पी से, पी के मूवी। के का रिलेशन पी के साथ। एम का रिलेशन एन से, मन, जो बड़ा चंचल है पढ़ने का मन नहीं करता हमारा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा स्टूडेंट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। एम का रिलेशन एन के साथ। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे पूछा कि आपको बताना है के का आगे से नंबर आता है 11, तो पीछे से नंबर क्या आएगा, तो आपको के का रिलेशन देख लेना है। के का रिलेशन किसके साथ है, पी के साथ है। के का रिलेशन किसके साथ है, पी के साथ है, तो आपको यहां क्या कर देना है, पी का नंबर बोल देना पीछे, जिसका नंबर क्या है 16, दैट्स इट। एल अगर आगे से 12 नंबर पे आता है तो पीछे से किस किस नंबर पे आता है, तो एल की जगह किसका नंबर बोलना है आपको, ओ का बोलना है, क्योंकि एल का रिलेशन ओ के साथ है 15। देन मैं जैसे बोलूं डी का आगे से जो नंबर है वो है 4 नंबर, पीछे से क्या नंबर है, तो आपको डब्ल्यू का नंबर बोल देना है 23, क्योंकि दूध वाले का रिलेशन है। आपसे पूछा गया एस आगे से 19 नंबर पे आता है तो पीछे से कितने नंबर पे आएगा, तो आपको एस का नंबर बोल देना है 8, आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आगे और पीछे से आपको इस तरह से याद रखना है, आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं। अगर आपको ये प्रॉपर नाम याद हो गए सारे के सारे, तो आप कोई भी नंबर का, कोई भी लेटर का नंबर पोजीशन आगे से और पीछे से दोनों कवर अप कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। और अब अपने चलते हैं आगे, जो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपने कवर अप करेंगे। तो
देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका किस तरह से दिया गया है।